हेलो दोस्तों, यूट्यूब के नॉलेज इन्फो के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी कमेंट्स हैं मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताएँ, ताकि मैं उसका आपको सल्यूशन या उसका आंसर आपको दे सकूं। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इनको। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इनको में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे डीडीफ्रीडिस के सेटअप से आप अपने मोबाइल को रिमोट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस करके बताता हूँ। मैंने गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर को खोल रखा है। अब हम इसमें टाइप करेंगे फ्री डिश, तो जैसे ही खुल जाता है हमें क्या करना है कि इसमें बहुत सारी रिमोट ऐप बन करके आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे इसमें रिमोट ऐप बन करके आ रहे हैं। आपको इनमें से किसको सिलेक्ट करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप गए एक्सोमाई, ठीक है। अब देखिए ये जो है कंपनी की ऐप है, ये जो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो ऐप है ये कंपनी के लिए है और यहाँ पे आप इसको, इससे आप टेलीविजन भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, एसटीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एसी और बहुत कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपका जो है बहुत सारे डिवाइसेस पे कॉन्टेक्ट करती है। तो कुछ नहीं करिएगा, इसको सिंपल से इंस्टॉलेशन के बटन में क्लिक कर दीजिएगा। 27 MB का इसका फाइल साइज है, 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, यानी कि 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों का जो है भरोसा इस एप्लीकेशन पर है, ज़ाइमी पर। और इसकी स्टार रेटिंग बहुत ही अच्छी है, 5 out of 2.1 इसकी स्टार रेटिंग है। ये आपके टेलीविज़न, आपके रिमोट के, टीवी के रिमोट के लिए, एयर कंडीशन के लिए, आपके डीटीएच के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट टूल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे टेलीविज़न के लिए, सेटअप बॉक्स के लिए, मतलब आप जो है किसी भी कंपनी का आप सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करें फ्री टू एयर का, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी आसानी से ये एप्लीकेशन वर्क करेगी। फैन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पीएम एसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैमसंग टेलीविज़न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये एक परफेक्ट एप्लीकेशन है और एक कंपनी की ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में, जो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, या वो जो मैंने आपको बताया करके कि आपको कुछ नहीं करना है, गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाना है, MI रिमोट कंट्रोल ऐप वो आप डाउनलोड करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे, खुल के आ जाएगा, बस इंस्टॉलेशन जाकर क्लिक करके और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज फॉर मोर वीडियोस। आज मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी आपको कैसी लगी, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के उसको ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकूं और आपके सामने एक नई से नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनको भी अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो वो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में उसका कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको बताएं, ताकि मैं उस पर आपके सजेशन को पढ़ के मैं आपको उसका सलूशन बता सकूं या उसके विषय में आपको जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब पे मेरे नॉलेज इन्फो के चैनल को देख रहे हैं और आप पसंद भी कर रहे हैं, इसका मेरे को बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें और अपनी राय को मेरे को व्यक्त करके बताते रहें।